हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे URL, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL वैसे तो आपने देखा होगा, कई बार आप जब गूगल पर सर्च करते हैं तो लिखा आता है www.facebook.com/something, या और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे www.wikipedia.com या .nic.in/something। इसको हमने देखा है, कई बार आपने ब्राउजिंग की होगी तब इस एड्रेस को देखा होगा, पर इसके बारे में क्या इसका यूज़ है, ये कितने प्रकार का होता है, क्यों बनता है, क्या ये आपको नहीं पता है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं URL शॉर्ट में, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क पर रिसोर्सेज की लोकेशन और इसको कैसे रिट्रीव करते हैं वो स्पेसिफाई करता है ना। तो आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू लोकेट अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज वेब एड्रेस। एक URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। एक URL को हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। अब ये वेब एड्रेस कितनी चीज़ों से मिलके बना होता है। हम कभी भी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें उसका वेब एड्रेस नहीं पता होता, उस पेज का हमें एड्रेस पर्टिकुलर नहीं पता होता है। हम कुछ ना कुछ टाइप करके, जैसे हमें किसी टॉपिक को सर्च करना है, जैसे हमें इंटरनेट की हानियाँ सर्च करना है, तो क्या हमें इसकी वेबसाइट्स पता है कि किस वेब पेज पे ये हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम गूगल पर सिर्फ क्या सर्च करते हैं कि वॉट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट, या इंटरनेट की हानियाँ क्या क्या हैं, है ना। तो हम ये सर्च करते हैं, हमारे सामने कई सारे URLs और कुछ टेक्स्ट के साथ लिखे आ जाते हैं, जो ब्लू कलर से लाइन आती है ना, अलग कलर से लिखी हुई लाइन रहती, लिंक जिसे कह सकते हैं हम, वो एक वेब एड्रेस होता है, उसको हम URL बोलते हैं। क्लियर। URL कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स इंक्लूडिंग अ प्रोटोकॉल एंड अ डोमेन नेम दैट टेल्स अ वेब ब्राउजर how and where to retrieve a resource. Each user use URL by typing them directly into the address bar of a browser or by clicking a hyperlink found on web page, bookmark list, in an email or from other application. URL में एक प्रोटोकॉल और डोमेन नाम सहित कई भाग होते हैं, जो एक URL या एक वेब एड्रेस है वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो एक वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि संसाधन को कैसे और कहां से प्राप्त किया जाता है। एंड यूज़र URL का उपयोग किसी ब्राउज़र के का पता बता बारे में सीधा टाइप करके, या किसी वेब पृष्ठ, बुकमार्क, सूची, ईमेल में, या किसी अन्य एप्लीकेशन से मिले हाइपरलिंक पर क्लिक करके करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमारे सामने कई सारे URLs आ जाते हैं, और हमें जिसको भी एड ओपन करना है हम उस URL पे क्लिक करते हैं और हम उस वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। एक URL से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि उसमें किस तरीके के प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है, उसका क्या डोमेन नेम है, कहाँ पे वो पेज स्टोर्ड है, इस तरीके के जो कई सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें URL से प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं कि URL के पार्ट्स या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो URL के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें से मुख्य कंपोनेंट मैं आपसे डिस्कस करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक URL है http://example.com/search query, है ना। अब यहाँ पे HTTP, www, ये सब क्या हैं, या फिर example.com है तो .com का क्या मतलब है, example क्या है, example एक डोमेन नेम है, और HTTP/www ये क्या है, प्रोटोकॉल का टाइप है।
इसके अलावा .com/index.html या कुछ और लिखा हुआ है तो वो एक स्पेशल पेज टाइप हमें बता रहे हैं। तो ये URL के कंपोनेंट्स हैं या प्रकार हैं, पार्ट्स हैं, है ना। अब हम इनको आगे पढ़ते हैं, एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रोटोकॉल और स्कीमा। देखिए, आपने अभी हो सकता है प्रोटोकॉल्स की डिटेल नहीं पढ़ी हो कि प्रोटोकॉल क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि प्रोटोकॉल मतलब एक नियमों का समूह होता है जिसके माध्यम से नेटवर्किंग के ऊपर डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन सा डेटा किस पाथ से कहाँ तक जाएगा, कैसे शेयरिंग होगा। और ये मेन इंटरनेट के प्रोटोकॉल जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं और हर प्रोटोकॉल का अपना एक काम होता है। और शॉर्ट में यदि बोलेंगे तो प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस हाउ टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर नेटवर्किंग ओवर नेटवर्क लेयर, ओके। अब हम प्रोटोकॉल, सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है कम्युनिकेशन में वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। The protocol is an URL determine how a web browser communicate with a web server during the process of sending or fetching a web page or document. HTTP is the most common protocol which stands for Hypertext Transfer Protocol. There are other protocols as well which are POP, Post Office Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड मोर। प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग डेटा को भेजने के लिए, पेज, वेब पेज या डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए, लाने के लिए उपयोग होता है। और ये प्रोटोकॉल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे डेटा का संचार होगा, किस तरीके से फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगी। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो प्रोटोकॉल है वो HTTP प्रोटोकॉल है। इसके अलावा भी POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल्स भी यूज़ होते हैं एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारा इसका कंपोनेंट या पार्ट है होस्ट नेम और डोमेन नेम, जो बीच का पार्ट है www.wikipedia.com। तो विकिपीडिया जो है वो आपका क्या है, होस्ट नेम या डोमेन नेम है। क्योंकि हमें कोई नंबर याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर हम किसी भी चीज़ को उसके डोमेन नेम से आसानी से पहचान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यदि सर्च करना चाहते हैं कि आपके शहर में डोमिनोज़ कहाँ कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका नंबर अंबर कोई बड़ा सा एड्रेस याद कर पाएंगे या सिंपल डोमिनोज़ लिखेंगे और वहाँ पे आपको पूरी वो लिस्ट दे देगा कि कहाँ कहाँ इंदौर शहर में डोमिनोज़ सेंटर्स हैं, आप उसमें से किसी भी नियरेस्ट सेंटर पे जा सकते हैं। तो जब भी हम सर्च करते हैं, हम सर्च किसी ना किसी डोमेन नेम से ही करते हैं। डोमेन नेम इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन रेफरेंस ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। In a domain name, the top level domain is always present. It also has shorthand and the second level domain. एक डोमेन का नाम इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट का विशिष्ट पहचान बताता है। डोमेन नेम में टॉप लेवल डोमेन हमेशा मौजूद रहता है, इसमें शॉर्टहैंड और सेकेंड लेवल डोमेन भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई मॉल सर्च करना है, कुछ और सर्च, कोई ऐसा लैंडमार्क सर्च करना है, कोई विजिटिंग प्लेस सर्च करना है, इन सब की वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए आप उनको उनके नाम से सर्च करते हैं। इसीलिए कभी भी वेब एड्रेस जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें ऐसा नाम, डोमेन नेम ऐसा रखा जाता है जो इजीली उस तक पहुँचा जा सके, या उसकी जो पहचान, या हम किसी सिंपल से स्टोर का, किसी स्कूल का, किसी संस्था का यदि वेब एड्रेस बनाते हैं तो हम उस स्कूल का, उस संस्था का, उस शॉप का, उस मॉल का नाम उसमें डालते हैं, दैट इज़ डोमेन नेम और होस्ट नेम, ओके। तो जब भी हम सर्च करते हैं मैक्सिमम हम डोमेन नेम से ही सर्च करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है पोर्ट नेम। आमतौर पर यह URL में दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह आवश्यक होता है।
और हमेशा एक कॉलम के बाद पोर्ट 80 वेब सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य ऑप्शन हैं, उदाहरण के लिए पोर्ट 80। पोर्ट नंबर इज़ मैंडेटरी इन URL, बट इट रेयरली विजिबल इन दैम। इट कम्स फॉलोइंग द TLD सेपरेटेड बाय अ कॉलन व्हेन डिक्लेयर्ड इन अ URL। In case the port is not declared, port 80 is used in HTTP and port 443 is used in HTTPS. Port 80 और port 443 का उपयोग by default किया जाता है, port 80 को maximum use किया जाता है। Next हम देखते हैं कि हमारा path किसी भी फाइल या उसकी एक रेफरेंस लोकेशन है, एक लोकेशन है कि कहाँ पे ये फाइल सर्वर पर रखी हुई है। पाथ वेब सर्वर या फाइल या लोकेशन को रेफर करता है कि किस जगह पे वो फाइल रखी हुई है। तो पाथ को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हमें रास्ता बताता है कि कहाँ पे हमारी फाइल या फोल्डर वेब सर्वर पर मौजूद है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेरी। Usually a query is found in URL of dynamic pages. Dynamic pages are the one which is generated from a database or the user generated content. A question mark followed by one or more parameters represents the query. Further, the query directly follows the domain name and port number. आमतौर पर डायनामिक पृष्ठों के URL में एक क्वेरी पाई जाती है। डायनामिक पृष्ठ किसे कहते हैं ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डायनामिक पेज वे होते हैं जो डेटाबेस या उपयोगकर्ता द्वारा जनरेट की गई सामग्री से बनते हैं या उत्पन्न होते हैं। एक या एक से अधिक पैरामीटर के बाद एक प्रश्न चिन्ह क्वेरी को प्रतिनिधित्व या दर्शाता है। इसके अलावा क्वेरी सीधे डोमेन नाम और पोर्ट नंबर का अनुसरण करती है, ये कहलाती है क्वेरी। उदाहरण के लिए क्वेश्चन मार्क हमारा क्वेरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर किसी भी URL की क्वेरी स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन के टुकड़े को बोलते हैं। कई पैरामीटर को एक्सपेंड हैश के द्वारा सेपरेट किया जाता है ना। पैरामीटर्स को एंड से, हैश से, इन सब से सेपरेट किया जाता है। फाउंड इन एवरी क्वेरी स्ट्रिंग ऑफ अ URL, पैरामीटर्स आर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। द पैरामीटर्स फॉलो द क्वेश्चन मार्क एंड आर एक्सपेंडेड m% कैरेक्टर सेपरेटेड देम। This is to make it understand individually and display content of the page, that is parameters. Next और last इसका component या part है हमारा fragment। यह एक internal page reference है जो web page के भीतर के एक section को बताता है या refer करता है। यह URL के अंत में प्रदर्शित होता है और hash से शुरू होता है। The internal page reference also referred to as named anchor the fragment. It begins with the hash character and appears at the end of an URL followed by an identifier. Moreover, it is a section within a web page only. यह web page के अंदर का एक section है। ये तो थे हमारे URL के parts और components. अब हम बात करते हैं कि URL कितने प्रकार का होता है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ URL, है ना। तो URL बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL वह URL होते हैं जहां पर इंटरनेट और फाइल को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए आवश्यक सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें प्रोटोकॉल इंडिकेटर, होस्ट नेम, फोल्डर का नाम, फाइल का नाम और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। एक फुल एड्रेस होता है, तब हम उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। और रिलेटिव URL में आमतौर पर केवल एक फोल्डर या फाइल का नाम होता है, इसके अलावा इसमें मैक्सिमम डिटेल नहीं होती है। रिलेटिव URL यह इंडिकेट करता है कि करेंट पेज के रिलेशन में कहाँ है, ये पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो ये कहलाता है रिलेटिव URL।
आइए हम इंग्लिश में देखते हैं. एन एब्सिडिट यू आर एल कंटेंस ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फाइंड द फाइल ऑन द इंटरनेट. इट कंटेंस द प्रोटोकॉल इंडिकेटर, होस्ट नेम, फोल्डर नेम एंड फाइल नेम. एब्सिल्यूट यू आर एल आर सिमिलर टू एड्रेस यूज बाय पोस्टल सर्विस विच इंक्लूड अ नेम, स्ट्रीट एड्रेस, अपार्टमेंट नंबर, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड. इफ सम ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, से द स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर, द कैरियर कांट डिलीवर द मेल टू द राइट पर्सन. यदि एब्सिल्यूट यू आर एल में से कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग रहती है तो मेल हमारा राइट पर्सन तक डिलीवर नहीं हो पाता. तो एब्सिल्यूट यू आर एल कंटेंस फुल इंफॉर्मेशन लाइक पोस्टल एड्रेस. जैसे हमारे पोस्टल एड्रेस में सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है, उसी तरीके से एब्सिल्यूट यू आर एल में हमारी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है. नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव यू आर एल. अ रिलेटिव यू आर एल यूजली कंटेंस ओनली द फोल्डर नेम एंड फाइल नेम और इवन जस्ट द फाइल नेम. We can use these partial URLs when we are pointing to a file that's located within a same folder or the same server as the originating file. In these cases, a browser doesn't need the server name or the protocol indicators because it assumes the file and a file are located in a folder or on a server that's relative to the originated document. User can use a relative URL to refer to document in relation to the originating document, which is called document relative URL, or to the server on which the originating document resides, which is called server related URL. ये थे हमारे दो URL के प्रकार, absolute URL and relative URL. आज हमने URL क्या होता है, URL के टाइप्स एंड URL के कंपोनेंट्स जाने. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.